फिर नमस्कार, आज हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट किस तरह से आपको घर पर रीड करना है, हिंदी में किस तरह से आप इसको समझेंगे और कौन सा इन्फेक्शन पीछे था आपको टाइफाइड का और कौन सा इन्फेक्शन अभी प्रेजेंट में है, या फिर आप जो ये देख रहे हैं 1:40 या फिर 1:80, 1:160, 1:320, इसका मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब क्या होता है, TO/O, TH/H, तो इस तरह से क्या आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, आपको किस तरह से इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, किस तरह से आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे, आपको करना क्या है सिंपली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर। एंटीजन नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो टाइफाइड वो बैक्टीरिया है ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो एंटीजन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है। तो 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले यहां से चलते हैं। TO/O यानी कि जो टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइड, यहां पर S भी होता है, S/O, यानी कि साल्मोनेला टाइफाइड ओ टाइफी ओ, अगर ये पॉजिटिव यहाँ तक आता है, इसका मतलब है कि अभी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ये 80 तक आता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा जाता है, यानी कि 1:160 तक जाता है, इससे ऊपर अगर इधर जाता है 320, यानी कि 1:160 अगर है, तो इसका मतलब टाइफाइड आपको है, आपको टाइफाइड की परेशानी, मोती जरा आपको है, एंटेरिक फीवर आपको है, प्रेजेंट है बॉडी में, और ये भी आपका अगर यहाँ तक आता है, ये भी पॉजिटिव प्लस आता है, इसका मतलब ये भी आपके टाइफाइड बैक्टीरिया मतलब बॉडी में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको पिछले पास्ट टाइम में इन्फेक्शन होता है टाइफाइड का, उसके बारे में बताता है कि आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन पहले हुआ या नहीं हुआ, 6 महीने में, 1 साल के अंदर या 3 महीने में। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, यानी कि आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन पहले था, अगर ये इन्फेक्शन ये निगेटिव आता है, माइनस माइनस आता है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, ये समझ लिया, ये दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं TAH, ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है टाइफाइड एंटीजन H, और यहाँ पर टाइफाइड पैराटाइफाइड होता है, ठीक है, SP, यानी कि पैराटाइफाइड एंटीजन H, ये क्या होता है, ये एक दूसरे टाइप का बैक्टीरिया होता है, इसकी सब क्लास का मान लेते हैं हम, जैसे टाइफाइड होता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, तो इसको तो टाइफाइड करना ही है, लेकिन ये टाइफाइड जो होता है वो साथ में एक बैक्टीरिया और होता है पैराटाइफी के नाम से, वो भी अगर इन्फेक्शन में आता है यहाँ पर, तो वो भी शो हो जाता है कि ये उस बैक्टीरिया की वजह से भी आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं TBH या BH। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर इसके साथ में आपके पल्स रेट या फिर WBCs काउंट कम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड के अंदर हमेशा बेडिकार्डिया होता है, बेडिकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट होती है, जो पल्स रेट होती है आपकी, वो कम हो जाती है, डाउन चली जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक क्लिनिकल सिम्टम्स होता है टाइफाइड के पेशेंट में। दूसरा, जब भी आपको फीवर आता है या कोई और परेशानी होती है, तो पेशेंट का फीवर, पेशेंट की जो हार्ट रेट और पल्स होती है वो बढ़ती है, लेकिन टाइफाइड के अंदर पल्स जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं बेडिकार्डिया, बेडिकार्डिया यानी कम होना, ठीक है। अब हम 60 से कम होना, वो भी याद रखना है, 60 से कम होना, 70-72 नॉर्मल होते हैं, लेकिन 60 के क्राइटेरिया रहता है, इससे कम हो जाती है तो बेडिकार्डिया के अंदर पेशेंट आता है। दूसरा, WBC हमेशा नॉर्मल रहता है, अगर नॉर्मल से कम आता है, इसका मतलब आपको विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, यानी टाइफाइड हो सकता है। अगर ये दोनों साइन नहीं मिल रहे हैं और विडाल टेस्ट आपका यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो, क्योंकि पेशेंट को दोनों तरफ से क्लिनिकल कोरिलेट करना पड़ता है। TVH यानी BH, इसका मतलब ये होता है कि जो इसके साथ में जो एंटीजन, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था, वो भी इसके पास साथ में आ सकता है। अब हम क्लिनिकल
फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वीक होता है पेशेंट को फीवर हो सकता है, फर्स्ट वीक में फीवर आएगा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, इस तरह की परेशानियां हो सकता है आए। सेकेंड वीक में क्या होता है, लाल लाल चकत्ते जिसे रोजे रेड रेसेस कहते हैं, वो आपकी बॉडी पर, चेस्ट पर, स्पेशली अपर एब्डोमेन यानी कि छाती पर दिखने लगते हैं और उनको जब आप दबाएंगे तो वो मुरझा जाते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर है। दूसरा, इसका फीवर क्या होता है, स्टेपलर्ड और स्टेपलर फैशन में होता है, जैसे कि फीवर का जैसे बुखार आया उसके बाद थोड़ा सा और चढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ा, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है पेशेंट का, बढ़ता चला जाता है, इसे कहते हैं स्टेपलर फैशन, ठीक है। कैमल फीवर भी होता है, कैमल फैशन फीवर भी होता है, वो एक अलग मैटर है, वहां अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन टाइफॉइड के बारे में आपको ये जानकारी होना जरूरी है। आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और हो सकता है कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से बनाई हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और अगर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, हमारे इस तरह के लेटेस्ट वीडियो देखना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।